योगी की शपथ में मोदी की ये धमाकेदार एंट्री, चारों ओर मोदी मोदी, योगी योगी का शो। ये सिर्फ कुछ सेकंड के लिए नहीं है, इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट दिखाई देगा। यूपी में एक बार फिर मोदी योगी की ग्रैंड एंट्री से 24 के लिए विरोधियों का एग्जिट रूट क्लियर हो चुका है। किसी का कोई चांस ही नहीं है। अब मोदी ने यह जिम्मेदारी योगी को सौंप दी है। यूपी के बाबा ने शपथ ले ली है। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्य रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। कहते हैं एक तस्वीर हजार शब्दों के बराबर होती है। शपथ के बाद योगी का तेजी से मोदी की तरफ जाना, मोदी का दोनों हाथ पकड़कर योगी को ऑल द बेस्ट कहना और फिर पीछे से यह आवाज सुनाई देना। यह सिर्फ शपथ ग्रहण समारोह नहीं था, भविष्य की सियासत का संकेत था। यूपी की सबसे उपयोगी जोड़ी ने लखनऊ से 24 वाले अखिल भारतीय अभियान को लॉन्च कर दिया है। आज उत्तर प्रदेश में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार की आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में दूसरी पारी प्रारंभ हुई है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो गरीब कल्याण का यज्ञ पूरे देश में चल रहा है और उत्तर प्रदेश में चल रहा था, उस यज्ञ को जारी रखेंगे, उसे और आगे और मजबूती से बढ़ाने का काम करेंगे। 2022 की यह दूसरी पारी जो हमारी है, लोक कल्याण संकल्प पत्र जो हमारा है, वह हमारा रोड मैप है। उसके आधार पर हम उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा करेंगे, कार्यकर्ताओं के मान सम्मान में कमी नहीं आने देंगे। तीसरी बात मैं यह साथ में और जरूर कहना चाहूंगा कि 2024 में 75 प्लस के संकल्प के साथ हम आगे बढ़ेंगे। आदित्यनाथ योगी, सामने योगी, बगल में मोदी और पीछे मंच पर अगले 5 साल का टारगेट अभी से फिक्स। मंच का बैकग्राउंड केसरिया, लाल और सफेद, मगर योगी का मैसेज, मोदी का संदेश, पिक्चर परफेक्ट। बाईस की योगी सरकार कैसी होगी, क्या क्या करेगी, कैसे कैसे करेगी, कितनी तेज गति से डिलीवर करेगी, एक लाइन में सब क्लियर है। योगी की शपथ ग्रहण वाली इस तस्वीर का, इस मैसेज का प्रधानमंत्री मोदी से डायरेक्ट कनेक्शन है। 21 नवंबर 2021 को योगी की टाइमलाइन पर सेम टेक्स्ट था, वही प्रण था, नए भारत का, नए यूपी का लक्ष्य था, मोदी थे, योगी थे, आज भी बिल्कुल वही चीज हुई, कुछ भी नहीं बदला। हाँ, मोदी ने ये नया टास्क जरूर दे दिया, योगी ने नेक्स्ट लेवल का गोल भी सेट कर लिया। अब 24 वाला प्लान एग्जीक्यूट होगा, 27 से आगे का टारगेट फिक्स होगा। यूपी के बच्चा बच्चा के फरमाइश में योगी जी। यहाँ इन दोनों तस्वीरों का तुलनात्मक अध्ययन जरूरी है। 2017 में योगी की शपथ देखिए, 2022 में योगी की शपथ देखिए, सब वैसा ही है। पिछली बार भी मोदी योगी की दाएं तरफ बैठे थे, इस बार भी मोदी की कुर्सी योगी की दाएं तरफ ही थी। सियासी भाषा पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे, मोदी राइट है, यूपी के लिए योगी ही टाइट है,
मोदी आगे की सोच रहे हैं, योगी को गाइड कर रहे हैं, योगी एक एक बात सुन रहे हैं, हर परीक्षा में पास हो रहे हैं, 17 से ही डिलीवर कर रहे हैं, तभी तो यूपी में हर मिनट हर सेकंड बाबा के ही चर्चे हो रहे हैं। योगी, 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 योगी। बाबा में दम है तभी तो सारे विरोधी बेदम है। यूपी में जश्न ही जश्न है। बाईस के मैन ऑफ द मैच योगी हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन योगी के कोच तो मोदी ही हैं। आज का दिन हर तरह से योगी में रहा, विरोधियों पर मीम बने, कार्टून बने, योगी ही सब पर भारी पड़े। बाबा का बुलडोजर शपथ वाले दिन भी सुपरहिट रहा, ट्विटर पर भी चला, जमीन पर भी एक्टिव रहा, सोशल मीडिया पर चला, योगी की शपथ देखकर साइकिल वालों को रोना आया। ताना तो अखिलेश ने भी मारा, नई सरकार को बधाई तो दी मगर मन बहुत भारी दिखा। योगी आदित्यनाथ की शपथ से, बाबा के बुलडोजर से सिर्फ बबुआ तनाव में नहीं थे, दुख का पहाड़ तो राहुल के खेमे पर भी टूटा, तस्वीरें उनसे देखी नहीं। माहौल शपथ समारोह के पहले से ही बनाया जाने लगा, नया भारत के कैप्शन के साथ बुलडोजर पर यह फैलाया। एक हैंडल नहीं, दो हैंडल नहीं, मोदी विरोधियों का पूरा इकोसिस्टम योगी की शपथ को डीमीन करने में जुट गया। योगी शपथ ले रहे थे, सपा का हैंडल लोकतंत्र खतरे में है वाला टेक्स्ट चिपका रहा था। योगी सरकार ने आज शपथ ली, सपा ने पुराना राग पहले ही अलापना चालू कर दिया, छुट्टा पशु से लेकर महिला सुरक्षा। शपथ वाले दिन ही योगी के सियासी विरोधियों की टाइमलाइन पर गुड लक नहीं, मानो बैड लक वाला टोन देखा। मगर क्या इससे फर्क पड़ा, बुलडोजर तो चल रहा है। आज भी चला है, आगे भी चलेगा, चलता रहेगा। विपक्ष की खींच समझी जा सकती है, ये तो होना ही था। 22 में विपक्ष को इतनी करारी शिकस्त जो मिली, यूपी में मोदी और योगी की जोड़ी सुपरहिट जो हुई है, मोदी ने ऑन स्टेज भी इशारा दिया और बाद में ट्विटर पर भी क्लियर इंडिकेशन दिया। पिछले 5 साल में जो हुआ वो तो यूपी में मोदी योगी के विकास वाले मॉडल का पहला चैप्टर था, दूसरा चैप्टर अब शुरू हुआ है। इस चैप्टर को फिनिश करने का टास्क मोदी ने योगी को ही दिया है। मुख्यमंत्री जी ने अभी बुलाई है, आगे की रूपरेखा तय होगी, उनका मार्गदर्शन प्राप्त होगा, मगर ये बात स्पष्ट है कि जनता का आशीर्वाद अपार समर्थन मिला है, जो वादे किए गए चुनाव में उस पर खरा उतरा जाएगा। प्रधानमंत्री जी का संदेश घर घर तक पहुंचाया जाएगा। उत्तर प्रदेश जो प्रथम राज्य बनाने का जो प्रतिबद्धता है उस पर हम लोग काम करने की शुरुआत हो रही है और आप देख सकते हैं कि चंद घंटों में शपथ ग्रहण के बाद तुरंत काम पर लग गए। इस प्रदेश की महान जनता ने जो आशीर्वाद दिया है माननीय योगी जी के नेतृत्व में, हम सब मिलकर जनता की अपेक्षाओं को पूरा करेंगे, प्रदेश की बेहतरी के लिए काम करेंगे। मोदी टास्क सौंपते हैं, योगी तुरंत नए उत्तर प्रदेश का सपना डिलीवर करने का वादा करते हैं। ये टीम वर्क नहीं तो क्या है? ये टीम स्पिरिट ही बीजेपी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। उदाहरण के तौर पर स्मृति ईरानी ये तस्वीर ट्वीट करती हैं, मेरा परिवार #, भाजपा परिवार का स्लोगन देती हैं, और इस तस्वीर से साफ है कि मोदी ही इस परिवार के, इस टीम के कप्तान है। जनता को बधाई है, कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को बधाई है कि हमें कि मोदी जी की नीतियों का, अमित शाह जी के प्रबंधन का और योगी जी के सुशासन को उन्होंने विश्वास मिलेगा, खरा उतरा, उस पर उन्होंने बहुमत दिया है। मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ और अभी इसे और सुदृढ़ करना और जो मोदी जी ने कहा है कि इस उत्तर प्रदेश को एक नंबर पर ले जाना है तो उसको एक नंबर पर ले जाकर अब माननीय मोदी जी को दोबारा 2024 का प्रधानमंत्री बनाना है। हम लोग उत्तर प्रदेश को #1 प्रदेश बनाने के लिए अपनी परिश्रम की प्रकाष्ठा करेंगे। योगी 2.0 में 5 वर्ष तक हमने कार्य किया था और इस बार
2.0 में पिछली बार से भी ज्यादा दुगनी रफ्तार से इस बार हम सब लोगों को कार्य करने की जिम्मेदारी मिली है, तो हम कार्य करेंगे। वैसे योगी के शपथ ग्रहण समारोह का 25 मार्च से एक अनोखा रिश्ता है। ये तारीख योगी के लिए बहुत शुभ है। ये तस्वीरें याद कीजिए, 25 मार्च 2020 की तारीख थी। आज ही के दिन कलयुग के वनवास से निकाले गए थे रामलला। आज के दिन ही 28 साल बाद रामलला टेंट से निकलकर फाइबर के मंदिर में शिफ्ट हुए थे और उन्हें अपने हाथों से लेकर जाने वाले योगी आदित्यनाथ ही थे। संयोग देखिए, 2 साल बाद यानी 25 मार्च 2022 को उसी रामलला के आशीर्वाद से 37 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ते हुए योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और खुशी की लहर यूपी से लेकर उत्तराखंड तक छा गई। सबसे पहले हम यूपी की जनता को धन्यवाद बोलना चाहते हैं, सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद बोलते हैं जो कि उन्होंने बहुत प्रचंड वोट से योगी जी को जिताया है। हम तो चाहते हैं कि यही मतलब उनका सहयोग रहेगा तो 24 में भी वो ऐसे ही और प्रचंड वोट से जिताएंगे उनको। माता जी मौजूद है, अब शपथ ले ली है, क्या आशीर्वाद देना चाहेंगे अपने बेटे को योगी सीएम को, क्या आशीर्वाद देना चाहेंगे आप? बिल्कुल, माता जी थोड़ा कम बोलती हैं, हिंदी थोड़ा कम समझती हैं, और तस्वीरें यहाँ की मैं और लोगों से बात करता हूँ, किस तरीके से आप लोग यहाँ पर जश्न मना रहे हैं ये इस जीत पर, योगी कैसे जश्न मना रहे हैं? योगी योगी मैं पूरा पूरा भारत योगी मैं मोदी मैं है और हम उनके राम के नारे के साथ इस जश्न मना रहे हैं। योगी जी आए हैं, योगी ही आएंगे, योगी जी आए हैं, योगी ही आएंगे, योगी जी आए हैं, योगी आएंगे। यूपी में फिर से, अब यूपी में फिर से बुलडोजर बाबा छाएंगे, यूपी में फिर से अब बुलडोजर बाबा छाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, बुलडोजर बाबा जिंदा, उनके घर की छतों तक। एक और योगी जी आए हैं, योगी ही आएंगे, योगी जी आए हैं, योगी जी आएंगे, जो बेल पे आए थे अब वापस जेल में जाएंगे, जो बेल पे आए थे वापस अब जेल में जाएंगे, यूपी में फिर से अब भगवा लहराएंगे। भगवा लहराएंगे वाला गाना जो बहुत ज्यादा फेमस था जी, एक पंचुर गांव में योगी योगी, पंचुर गांव में योगी योगी, जोर से बोलो योगी योगी, बच्चे बोलो योगी। योगी की सन्यासी से राजधर्म तक की यात्रा इतनी भी आसान नहीं रही, मगर हाँ, योगी ने जब जब अपनी भूमिकाएं बदली तो हर बार इतिहास ही रचा। योगी की यही पहचान है, वो मठाधीश भी हैं और सत्ताधीश भी। नॉर्थ इंडिया में कम से कम योगी इकलौते ऐसे सीएम हैं जो लगातार 19 साल तक सांसद रहे। 1998, 1999, 2004, 2009, 2014 गोरखपुर लोकसभा सीट से लगातार 5 बार सांसद चुने गए। 26 साल की उम्र में पहला चुनाव 26,000 से ज्यादा वोटों से जीता, सबसे कम उम्र के सांसद बने। इसके बाद हर लोकसभा चुनाव में योगी का वोट परसेंटेज बढ़ता गया, पॉपुलैरिटी का ग्राफ बढ़ता गया। योगी ना रुके न थमे, बस बढ़ते चले गए। 2017 में भी डिलीवर किया, 22 में भी डिलीवर किया और सबको अचंभित कर दिया। बहुत कम लोग जानते हैं कि योगी सिर्फ सीएम नहीं, सिर्फ संत या महंत नहीं, वो लेखक भी हैं और संपादक भी रह चुके हैं। योगिक षटकर्म, हठयोग, स्वरूप एवं साधना, राजयोग, स्वरूप एवं साधना और हिंदू राष्ट्र नेपाल जैसी किताबों को योगी ने लिखा। गोरखनाथ मंदिर से प्रकाशित होने वाली पत्रिका योग वाणी के प्रधान संपादक भी हैं। ये क्वालिटी ही तो योगी को सबसे अलग करती है। मगर लोग फिर भी यही सोचते हैं कि योगी में ऐसा क्या है कि कोई और नेता योगी आदित्यनाथ के आसपास भी नहीं फटक पाया। उत्तराखंड का एक राजपूत यूपी में आकर राजनीति के शिखर पर कैसे पहुंच गया, इसकी भी एक कहानी है। योगी का जलवा तब भी कायम था जब वो कॉलेज में थे, फैशनेबल, चमकदार, टाइट कपड़े और आंखों पर काले गॉगल्स। योगी ऐसे भी थे, योगी का जलवा एबीवीपी में भी चल रहा था, मगर फिर कुछ हुआ।
ये तस्वीरें याद कीजिए। ये तस्वीर तब की है जब योगी सन्यासी बने, मगर बहुत कम लोग ये जानते हैं कि योगी को सन्यासी बनने के लिए भगवान राम ने ही बुलाया था। योगी एबीवीपी से जुड़े थे, प्रभु राम के मिशन पर डटे थे, बाद में राम के काम के लिए ही मठ से जुड़े। 1993 में योगी महंत अवैद्यनाथ के संपर्क में आए, गोरखपुर चले गए, दीक्षा प्राप्त की और सन्यासी बन गए। अवैद्यनाथ ने 1998 में राजनीति से संन्यास लिया और योगी आदित्यनाथ को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और उसी साल योगी की पॉलिटिकल एंट्री हुई। पहले बतौर सांसद और फिर बतौर सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश की राजनीति की परिभाषा बदल कर रख दी, कई सारे मिथक तोड़ दिए। 37 साल बाद लगातार दूसरी बार यूपी के सीएम पद की शपथ लेना हो या फिर नोएडा जाने के मिथक को तोड़ना हो, योगी ने हर वो काम किया जो करने से उनके दूसरे सियासी विरोधी कतराते थे, इसलिए तो पब्लिक ने उन्हें खुलकर सपोर्ट किया। योगी ने एक और काम किया, तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों की दुकान बंद कर दी। यूपी ने वो दौर देखा है जब इफ्तार होता था, मगर आज हर नेता भगवाधारी बना बैठा है। पहले सारे जालीदार टोपी पहनते थे, अब सब मंदिर मंदिर घूम रहे हैं। ये है योगी का इफेक्ट। असली भगवाधारी 365 दिन वाले हिंदू तो योगी ही हैं, बाकी तो एक दिन वाले हैं, चुनावी सीजन वाले हैं। योगी ने यूपी की पॉलिटिक्स का टेम्पलेट बदल दिया है। योगी की वजह से सारे विरोधियों ने दौड़ना शुरू कर दिया है। अब सबको मेहनत करनी पड़ रही है, अखिलेश हो, राहुल हो, प्रियंका हो या कोई और हो, सबको समझ में आ गया है हिंदू हिंदू तो करना पड़ेगा, मुस्लिम टोपी छोड़नी पड़ेगी, राम मंदिर का विरोध बंद करना पड़ेगा। यूपी में योगी राज से पहले मॉड्यूल यही था, लखनऊ में राम मंदिर का नाम लेना मना था, कुर्सी के लिए टोपी पहननी पड़ती थी, एक बार सरकार में आ गए तो आराम से रहेंगे। योगी ने सबको मजबूर कर दिया, मंदिर मंदिर के राउंड ट्रिप को लाचार कर दिया, अब सबको हिंदू हिंदू कहलाना है, काशी मथुरा और अयोध्या भी जाना है। बात बहुत सिंपल सी है, योगी नो नॉनसेंस वाली पॉलिटिक्स करते हैं, कहीं पर भी किसी चीज से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, न डरना है न दबना है, मजबूरी में नहीं चलना है, बस नॉन स्टॉप मेहनत करनी है। योगी ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स यही है, इसीलिए यूपी में मोदी और योगी की जोड़ी ही सुपरहिट है। एक मोदी एक योगी 52 सहयोगी यूपी में सबसे उपयोगी। लखनऊ के लोक भवन में इस वक्त योगी आदित्यनाथ कैबिनेट की पहली मीटिंग ले रहे हैं और ये मीटिंग कभी भी खत्म हो सकती है। पहली कैबिनेट में क्या फैसला होता है हम आपको पूरा अपडेट देंगे, लेकिन इस वक्त पूरे उत्तर प्रदेश में इस बात की चर्चा है कि योगी ने किस आधार पर नए मंत्री बनाए और किस आधार पर 22 मंत्रियों को हटा दिया। अब 22 का यह मिशन तो पूरा हो गया है, लेकिन योगी ने आज जो टीम बनाई है वो 24 और 27 के मिशन में कैसे काम आएगी, योगी कैबिनेट सिलेक्शन की फुल इनसाइड स्टोरी यहीं पर है। मैं आदित्यनाथ योगी नए तरीके से नए चेहरों के साथ योगी आदित्यनाथ ने नई टीम बनाई है। मैं केशव प्रसाद मौर्य, मैं ब्रजेश पाठक, मैं सुरेश कुमार खन्ना, मैं डॉक्टर संजय निषाद, मैं बेबी रानी मौर्य, मैं लक्ष्मी नारायण चौधरी, मैं अनिल राजभर, मैं अरविंद कुमार शर्मा, मैं गुलाब देवी। आज से योगी आदित्यनाथ का नया युग शुरू हुआ है। योगी ने नई परंपरा डाली है, पुराने नियम नहीं चलेंगे, नए युग में योगी की सरकार नए नियम से चलेगी। जात पे न पात पे योगी ने मुहर लगाई है काम। मैं ब्रजेश पाठक, मैं सुरेश कुमार खन्ना, मैं डॉक्टर संजय निषाद, मैं बेबी रानी मौर्य, मैं लक्ष्मी नारायण चौधरी, मैं अनिल राजभर। योगी ने एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज को मिलाकर टीम बनाई है। आज से योगी की ये नई कैबिनेट नया उत्तर प्रदेश बनाएगी, नए तरीके से यूपी को चलाएगी। योगी ने किसे किसे मंत्री बनाया, योगी ने इन्हीं मंत्रियों को क्यों चुना, इन मंत्रियों की यूएसपी क्या है, हर नाम फाइनल करने से पहले मोदी और योगी ने क्या लॉजिक देखा वो लॉजिक भी बताएंगे। 24 और 27 के मिशन में ये मंत्री कैसे काम आएंगे ये भी समझाएंगे। तो चलिए वन बाय वन बताते हैं। सबसे पहले डिप्टी सीएम से शुरू करते हैं। केशव मौर्य योगी आदित्यनाथ के डिप्टी सीएम थे और केशव मौर्य सेकेंड टर्म में भी योगी आदित्यनाथ के डिप्टी सीएम बने हुए, लेकिन दिनेश शर्मा की जगह ब्रजेश पाठक आ गए हैं।
पिछड़ा वर्ग से आने वाले केशव मौर्य अपनी जगह बरकरार हैं, यानी योगी ने ब्राह्मण डिप्टी सीएम को ब्राह्मण डिप्टी सीएम से ही रिप्लेस किया है। मैं केशव प्रसाद मौर्य ईश्वर की शपथ लेता हूँ। केशव मौर्य बीजेपी के प्रेजेंट प्लान और फ्यूचर प्लान दोनों के लिए अहम किरदार है, तभी तो सिराथू सीट से हार जाने के बाद भी उनको डिप्टी सीएम पद की शपथ दिलाई गई है। केशव मौर्य यूपी बीजेपी में पिछड़ी जातियों के बड़े नेता हैं। वो विश्व हिंदू परिषद से बीजेपी में आए। केशव मौर्य राम मंदिर आंदोलन से भी जुड़े रहे। 2017 की जीत के समय केशव मौर्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष थे। वो नरेंद्र मोदी, अमित शाह और संघ तीनों के करीबी हैं। उत्तर प्रदेश में ओबीसी माइनस यादव वोट 28 से 29 प्रतिशत है। यूपी में कई पिछड़ी जातियों से मिलकर बनने वाले इस वोट बैंक के सबसे बड़े नेता का नाम है केशव मौर्य। यूपी की 403 में से 403 विधानसभा सीटों और 80 में से 80 लोकसभा सीटों पर पिछड़ी जातियों का वोट मायने रखता है। केशव मौर्य संगठन से भी जुड़े रहे हैं। डिप्टी सीएम के रूप में सरकार चलाने का भी एक्सपीरियंस रखते हैं, इसलिए योगी ने केशव मौर्य को सेकंड चांस दिया है। हमारा जो लोक कल्याण संकल्प पत्र 2022 का है, वह संकल्प पत्र ही हमारा रोड मैप है। उसी के आधार पर हम उत्तर प्रदेश की सेवा करेंगे और उत्तर प्रदेश को विकास के पथ पर नंबर एक पर पहुंचाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे और 2024 के लोकसभा चुनाव में 75 प्लस के संकल्प के साथ फिर एक बार कमल खिलाएंगे। 18 कैबिनेट मंत्री, 20 मंत्री, 14 राज्य मंत्री, मतलब सभी धर्मों को बुंदेलखंड से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश सबको साधने, सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान करते हुए, सबको आस्थान देते हुए पार्टी नेतृत्व ने शानदार निर्णय लिया है और इसका बहुत बड़ा संदेश उत्तर प्रदेश के हर वर्ग को है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो सबको साथ में लेकर के चलती है, सबको स्थान और सम्मान देती है। लॉ एंड ऑर्डर को सबने सराहा है, क्या गुंडों का अंत ऐसे ही होगा? ऐसी भी कोई हिटलिस्ट बनने वाली है क्या? कोई दूसरी लाइन नहीं तय होने वाली है। अगर अपराध करने वाले अगर अभी तक नहीं समझ पाए हैं कि अपराध करने की उत्तर प्रदेश में अब छूट नहीं मिलेगी तो उन्हें समझ जाना चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने 5 साल बाद अपना एक डिप्टी सीएम बदला है। लखनऊ कैंट से जीतने वाले ब्रजेश पाठक को दूसरा उप मुख्यमंत्री बनाया है। मैं ब्रजेश पाठक ईश्वर की शपथ लेता हूँ। ब्रजेश पाठक योगी सरकार के ब्राह्मण फेस हैं। 22 के यूपी चुनाव से पहले इस बात का बहुत हल्ला मचा था कि यूपी के 12% ब्राह्मण वोटर बीजेपी से नाराज है। रिजल्ट आया तो ये गलत साबित हुआ। यूपी के 80% से ज्यादा ब्राह्मण वोटरों ने बीजेपी के फेवर में वोट दिया। इसकी एक बड़ी वजह है ब्रजेश पाठक। ब्रजेश पाठक ब्राह्मण वोटरों के बीच बहुत लोकप्रिय हैं। पिछली सरकार में वो कानून मंत्री थे। ब्रजेश पाठक ने कांग्रेस से राजनीति शुरू की। 2004 में वो बसपा के सांसद बने। 2017 से ब्रजेश पाठक बीजेपी में है। योगी मॉडल के नाम से मशहूर हुए यूपी के जनसंख्या नियंत्रण कानून के पीछे ब्रजेश पाठक का ही दिमाग है। योगी की पिछली सरकार में कानून मंत्री के रूप में ब्रजेश पाठक ने ही जनसंख्या नियंत्रण कानून का ड्राफ्ट तैयार कराया था। पूरे प्रदेश की जनता का, अपने केंद्रीय नेतृत्व का अभिनंदन करता हूं। आशीर्वाद उनका प्राप्त हुआ है मुझे प्रदेश की जनता का काम करने के लिए। मैं सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। क्या एजेंडा रहेगा आपका? अभी तो यार गए नहीं है भाई, तुम लोग सब जानते हो। योगी ने 52 मंत्री बनाए जिसमें 13 ओबीसी, 7 ब्राह्मण, 6 ठाकुर, 5 जाट, 4 वैश्य, 2 भूमिहार और 9 दलित मंत्री हैं। ब्रजेश पाठक, जितिन प्रसाद, योगेंद्र उपाध्याय, दयाशंकर मिश्रा, ये योगी सरकार के 4 प्रमुख ब्राह्मण फेस हैं। पूरे चुनाव में ठाकुर बहुत हुआ, लेकिन ठाकुर मंत्रियों की संख्या घट गई है। बीजेपी के पास ठाकुर समाज से 43 विधायक हैं। मंत्रिमंडल में योगी ने 6 ठाकुर मंत्री रखे हैं। बीजेपी के जाट विधायक फायदे में रहे। बीजेपी गठबंधन के पास सिर्फ 8 विधायक हैं, इनमें से 5 मंत्री बनाए गए हैं, लक्ष्मी नारायण चौधरी और भूपेंद्र सिंह चौधरी। योगी ने जाटलैंड के 2 बड़े नेताओं को अपनी कैबिनेट में रखा है। इस प्रदेश की महान जनता ने हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत बड़ा जनादेश हम लोगों को दिया है और हम लोगों ने जो बातें अपने संकल्प पत्र में कही हैं और इस प्रदेश की बेहतरी के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब लोग मिलकर काम करेंगे, ऐसा मेरा सब लोगों से। नहीं,
सरकार का और पार्टी का बहुत बड़ा सिस्टम है, सब मिलकर इस प्रदेश के 25 करोड़ लोगों के लिए काम करेंगे, उनके जीवन को बेहतर करने के लिए काम। यूपी में बीजेपी के पास सिर्फ 4 भूमिहार विधायक हैं, 2 भूमिहार मंत्री बनाए गए हैं। योगी ने 5 महिलाओं को मंत्रिमंडल में जगह दी है। बेबी रानी मौर्य को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। गुलाब देवी को राज्य मंत्री का जिम्मा मिला है, जबकि रजनी तिवारी, प्रतिभा शुक्ला, विजय लक्ष्मी गौतम राज्य मंत्री बनाई गई हैं। स्वतंत्र देव सिंह, बेबी रानी मौर्य, अरविंद शर्मा और संजय निषाद योगी के 16 कैबिनेट मंत्रियों में इन 4 नए मंत्रियों पर गौर कीजिए। स्वतंत्र देव सिंह पिछड़ा वर्ग के नेता हैं, बेबी रानी मौर्य दलित समुदाय से आती हैं, अरविंद शर्मा भूमिहार हैं और संजय निषाद निषाद जाति से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन इन मंत्रियों की यूटिलिटी सिर्फ जाति तक सीमित नहीं है। 22 के चुनाव में यूपी प्रदेश बीजेपी संगठन संभालने वाले स्वतंत्र देव सिंह को उनके काम का पुरस्कार मिला है। स्वतंत्र देव सिंह 2017 में भी मंत्री बनाए गए थे। 2019 में उन्हें यूपी प्रदेश बीजेपी संगठन का जिम्मा सौंपा गया। वो बीजेपी के ओबीसी नेता हैं, फिलहाल विधान परिषद के सदस्य हैं। स्वतंत्र देव सिंह ने एबीवीपी से छात्र राजनीति की शुरुआत की थी। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। बेबी रानी मौर्य 3 साल तक उत्तराखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं। वो बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, पार्टी की महिला दलित चेहरा हैं और जाटो समाज से ताल्लुक रखती हैं। जाटो समाज से होना मंत्री पद की गारंटी नहीं, बेबी रानी मौर्य ने काबिलियत से इसे हासिल किया है। बेबी रानी मौर्य 1995 से 2000 तक आगरा की मेयर रह चुकी हैं। आगरा की वो पहली महिला मेयर थी। 1997 में उत्तर प्रदेश रत्न का पुरस्कार मिला। आगरा रूरल से 76,608 वोटों से जीत कर आई है। 2002 में वो राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य बनी। अभी तो मंत्री बने हैं, उत्तर प्रदेश ने मंत्री बनाया है। उत्तर प्रदेश की जो जनता है, गरीब है, दलित है, पीड़ित तो उनकी सेवा करेंगे। महिलाओं की हमेशा आवाज उठाई गई है, उत्तर प्रदेश में खाद्य सुरक्षा की बात की गई है। आप किस तरीके से अपना जो दायित्व है वो निर्वहन करेंगे एक मंत्री के रूप में? बिल्कुल पूरी ईमानदारी से महिलाओं के साथ न्याय होगा, उनकी सुरक्षा की गारंटी रहेगी, उनके लिए आर्थिक रूप से कैसे सशक्त हो इसके लिए काम करेंगे। अरविंद शर्मा का पॉलिटिकल प्रोफाइल भले ही छोटा हो, लेकिन लंबे समय तक उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ काम किया है। टेस्टेड एंड ट्रायड अरविंद शर्मा को योगी ने पहली बार अपनी कैबिनेट में रखा है। अरविंद शर्मा बोलते कम है, लेकिन जो काम दिया जाए उसे पूरा करके दिखा देते हैं। संजय निषाद, निषाद पार्टी के लीडर हैं। गोरखपुर में होम्योपैथी की डॉक्टरी करने वाले संजय निषाद अपने समुदाय के लिए दलित कोटे के अंदर 5% का कोटा मांगकर चर्चा में आए थे। 22 के चुनाव में उन्होंने बीजेपी के साथ गठजोड़ किया और अब मंत्री बन गए। मल्लाह केवट निषाद जाति में 53 उपजातियां हैं। संजय निषाद ने सभी 53 जातियों को जोड़ा। मल्लाह केवट निषाद यूपी में 7% तक है। जातियों को जोड़कर संजय निषाद ने उनको पॉलिटिकल पावर बना दिया। जनता को, शीर्ष नेतृत्व को, कि उन्होंने विश्वास किया और भरोसा किया है और भरोसे पर हम लोग खड़ा उतरेंगे। चुनाव नहीं, चुनौती था, चुनौती करके हम लोगों ने बृहद जीत की है और जनता को धन्यवाद देता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों का और गृह मंत्री जी के प्रबंधन का, योगी आदित्यनाथ के सुशासन का, और उसी को हम लोग और सुदृढ़ करेंगे और आगे 2024 की तैयारी में हम लोग लगे हैं, जिससे सामाजिक न्याय दिला सके। योगी आदित्यनाथ ने दरबारी प्रथा का अंत कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से योगी ने कई पुराने मठाधीशों की मठाधीशी खत्म कर दी है। योगी ने पिछले मंत्रिमंडल के 22 मंत्रियों की छुट्टी कर दी है। दिनेश शर्मा उप मुख्यमंत्री थे, अब कहीं नहीं है। सतीश महाना उद्योग विकास मंत्री थे, इस बार मंत्री नहीं बनाए गए हैं। श्रीकांत शर्मा हाई प्रोफाइल ऊर्जा मंत्री थे, लाख वोट से जीतने पर भी योगी ने मंत्री नहीं बनाया। सिद्धार्थनाथ सिंह खादी ग्रामोद्योग और कपड़ा मंत्रालय संभालते थे, सरकार के प्रवक्ता भी थे, इस बार पत्ता कट गया। रमापति शास्त्री सामाजिक न्याय मंत्री थे, इस बार पत्ता कट गया। मुकुल बिहारी वर्मा सहकारी मंत्री थे, इस बार मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली। आशुतोष टंडन शहरी विकास मंत्री थे, इनको शपथ का निमंत्रण नहीं मिलना राजनीतिक पंडितों को भी चौंका गया। सुरेश राणा गन्ना मंत्री थे, हार गए, इसलिए जगह मिलने का सवाल ही नहीं था। जो जिम्मेदारी दी जाएगी वो निभाएंगे। मैं नेतृत्व का आभारी हूँ, प्रदेश नेतृत्व का और केंद्रीय नेतृत्व का, जिन्होंने हमारे प्रति विश्वास व्यक्त किया और इस विश्वास की कसौटी पर हम खरा उतरेंगे। यही
हमको आज के मौके पर कहना। उत्तर प्रदेश जनमानस को समर्पित है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश के 130 करोड़ लोगों को ध्यान में रख करके जो जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने। प्रदेश के अंतिम गांव तक विकास की रोशनी पहुंचे, प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे, इसके लिए काम किया। और आपने देखा था जिस तरह से समाजवादी पार्टी की सरकार में गुंडे अपराधी और माफिया कानून को अपने हाथ में लेकर के दरोगा को इंस्पेक्टर को एसपी को फोन किया करते थे, उनको निर्देशित करने का काम करते थे। जिस दिन से योगी आदित्यनाथ जी ने सरकार को संभाला है, सरकार की बागडोर अपने हाथों में ली है, सबसे गुंडों माफियाओं के खिलाफ जो कठोर कार्रवाई हुई है, जो पूरे प्रदेश में भय व्याप्त था, भय मुक्त उत्तर प्रदेश बना है, आज गुंडों पर भय है। मंत्रियों को चुनने में योगी आदित्यनाथ की कितनी चली एग्जाम्पल देखना हो तो दानिश आजाद अंसारी का एग्जाम्पल देखिए। 32 साल के दानिश आजाद अंसारी एबीवीपी के छात्र नेता रह चुके हैं, वो विधायक नहीं है, फिर भी योगी ने उनको मंत्री बना दिया है। योगी ने मोहसिन रजा का पत्ता काटकर दानिश को जगह दी है। और योगी कैबिनेट की पहली बैठक चल रही है, पहली बैठक में सीएम योगी एक बड़ा फैसला लेने वाले हैं। पिछली सरकार के समय पहली बैठक में किसानों का कर्ज माफ हुआ था, अब नई सरकार के गठन के बाद योगी सरकार का पहला बड़ा फैसला क्या होने वाला है इस पर सबकी नजर है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक सीएम योगी बिजली बिल माफ करने का ऐलान कर सकते हैं। योगी आदित्यनाथ ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और आज ही वो काम पे में जुट गए हैं। योगी अपनी सरकार के पहले ही बड़े फैसले लेने जा रहे हैं। करीब एक घंटे से योगी आदित्यनाथ कैबिनेट की मीटिंग ले रहे हैं, हर किसी को योगी के फैसले का ऐलान का इंतजार भी है। और इससे पहले उत्तर प्रदेश की जनता ने आज वो देखा जो 70 साल में कभी नहीं देखा था। योगी की शपथ के लिए खचाखच भरा स्टेडियम, हजारों की भीड़ों के बीच योगी आदित्यनाथ और मोदी किनारे लगे। शपथ तो हर 5 साल में होती है लेकिन ऐसी शपथ कभी नहीं देखी होगी। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्य रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। और इसी के साथ लगातार दूसरी बार योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। जितनी बड़ी जीत उतना बड़ा शपथ समारोह। ठिकाना सुनियो, आवाज आनी चाहिए, गूंजनी चाहिए धरती, बता चले इस धरती को कि आज शपथ ग्रहण हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी बहुमत की सरकार बना के पूज्य महाराज जी इतिहास दोहरा रहे हैं। दहशत गर्दी खत्म हो गई, गुंडा गर्दी खत्म हो गई, चमक उठी राजधानी, अपनी चमक उठी राजधानी, देश उबारू उनकी सुनो कहानी। चेहरे का तेज, आंखों की चमक और ये धमक बताती है कि अगले 5 साल तक यूपी में योगी राज होगा जिसमें सबको इंसाफ मिलेगा और अपराधियों का काम तमाम होगा। जो विश्वास जनता ने दिखाया है उस पर योगी खरे उतरेंगे। प्रधानमंत्री मोदी हैं, गृह मंत्री अमित शाह,
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। ये नए भारत की सबसे बुलंद तस्वीर है, ये नया उत्तर प्रदेश है, ये भारतीय राजनीति का वर्तमान भी है और भविष्य भी। साल 2017 और साल 2022, इन 5 सालों में बहुत कुछ बदल गया है। मोदी का योगी पर विश्वास और योगी का मोदी पर यकीन बहुत बढ़ गया है। ये तस्वीरें 2017 की हैं, जब योगी आदित्यनाथ ने पहली बार यूपी के सीएम की शपथ ली थी। उस वक्त मोदी और योगी के ठीक बीच में यूपी के तत्कालीन राज्यपाल राम नाईक बैठे थे। जैसी केमिस्ट्री आज नजर आई, वैसा नजारा तब नहीं था। लेकिन इस बार योगी और मोदी के बीच में कोई नहीं था। जिस तरह से योगी और मोदी बात कर रहे थे वो बताता है दोनों के बीच में कोई कभी नहीं आ सकता। 2017 और 2022 की दो तस्वीरें अपने आप में पूरी एक कहानी है, जो राजनीति को भी बदलेंगे और राजनेताओं की सोच भी। ये बीजेपी की सबसे दमदार डबल इंजन की सरकार है। मोदी और योगी की ये जोड़ी अभी और इतिहास रचेगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह। डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।